नमस्कार, स्पोर्ट्स की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। इंग्लिश प्रीमियर लीग में स्टैमफोर्ड ब्रिज में चेल्सी और लिवरपूल के बीच खेला गया फुटबॉल मुकाबला 1-1 की बराबरी पर छूटा। एडन हैजार्ड ने खेल के 25वें मिनट में गोल करके चेल्सी को बढ़त दिलाई। ऑस्ट्रेलिया की टीम इन दिनों दुबई में है। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले वह अभ्यास मैच खेल रही है। पाकिस्तान 1 के खिलाफ 4 दिवसीय मैच का दूसरा दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा नहीं रहा। फील्डिंग कर रहे मैट रेनशो के सिर पर गेंद लगी, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अपनी खोई हुई फॉर्म और लय को हासिल करने के लिए अब घरेलू क्रिकेट का रुख किया है। 26 साल के आमिर ने पिछले 5 मैचों में 1 भी विकेट हासिल नहीं किया है। बिहार ने रविवार को विजय हजारे ट्रॉफी घरेलू एक दिवसीय टूर्नामेंट के प्ले ग्रुप के मुकाबले में सिक्किम को महज 46 रनों पर समेटकर 292 रनों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में रनों के हिसाब से यह सबसे बड़ी जीत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर बायलैटरल सीरीज नहीं खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से 7 करोड़ डॉलर यानी करीब 500 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। पाकिस्तानी बोर्ड के मुताबिक पीसीबी ने पीसीसीआई के साथ साल 2014 में सहमति पत्र हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत 6 बायलैटरल सीरीज खेलने पर सहमति बनी थी, जिनमें पाकिस्तान की मेजबानी में घरेलू सीरीज शामिल थी। फिलहाल इस बुलेटिन में आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। जेनुइन सेल्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्क के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनुइन सेल्स नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।